डीटीएच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका डीडी फ्री डिश का बॉक्स अटक रहा है यानी बफरिंग हो रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं जो पिक्चर की क्वालिटी है कुछ इस प्रकार से आ रही है, ठीक है। तो गाइस ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है मैं आपको इस वीडियो के अंदर दो तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। दोनों तरीका दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान तरीके से देखना होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप किसी भी चैनल को देख सकते हैं, कोई भी चैनल आप लगा लीजिए यहाँ पर, उसके अंदर आपको देखने को ये मिल जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये बफरिंग हो रहा है यानी अटक रहा है बीच बीच में, और सिग्नल की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने LED लगा दी, ठीक है। अब गाइस पूरी जानकारी के लिए आपको मैंने पूरा सेटअप कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं डीडी फ्री डिश का बॉक्स लगा हुआ, ठीक है। ओसवाल कंपनी का है, कोई भी बॉक्स हो चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो जानकारी दी जा रही है वो आपको बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओसवाल का बॉक्स लगा हुआ है और यहाँ पर जो LED चल रही है और अटक रही है, ठीक है। और गाइस मैंने आपको दिखाने के लिए ये एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सेट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तार है ये आप देख सकते हैं नीचे की ओर से होता हुआ यहाँ पर हमारे छतरी के पास में आता है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, जो प्रोसेस आपको दिखाया जाता है वही आपको करना, आपकी छतरी 100% सही हो जाएगी। आपको जो आइए ये जो अटक रही है ना, ये देख आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा अटक रही है, ये प्रॉब्लम आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ वो आप फॉलो करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका सिग्नल निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये बड़ा मेरे पास में रिमोट और इसका सिग्नल मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिग्नल की क्वालिटी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं छतरी के पास में जाना दोस्तों, आपको कुछ भी सेट बॉक्स के साथ में कुछ भी नहीं करना, आपको छतरी के पास में चले जाना, ठीक है। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप पहले सबसे पहले सिग्नल को नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सिग्नल है 31-32 आ रहे, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। गाइस जो भी करेंगे दोस्तों वो आपके सामने होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वायर, ठीक है, वायर वहाँ पर हमारे छतरी के पास में गया हुआ, ठीक है। तो अब हम छतरी के पास में चलते हैं और वो सेटिंग्स में आपको दिखाने वाला हूं कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं ये छतरी लगी हुई है, ठीक है, और यहां पर छतरी को आपको पीछे से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो गाइस यहां पर हमारे पास में Airtel की छतरी लगी हुई है लेकिन जो कनेक्शन है वो डीडी फ्री डिश का सेटअप किया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सामने हमारी LED लगी हुई है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर इसकी सिग्नल की क्वालिटी आप यहां पर देख सकते हैं, तो गाइस आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने छतरी के पास में जाना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो आपके यहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Airtel का कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, यानी छतरी लगी हुई, ठीक है। तो आपको LNB को आपको सेट करना होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो LNB होता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, आप अपनी भाषा में क्या बोलते, कोई कोई इसको कैमरा भी बोलते, ठीक है। तो आपको यहाँ LNB देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको छतरी को तो बिल्कुल भी नहीं हिलाना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको क्या करना होगा, ये जो LNB होता है इसकी जो आप ये पिन देख सकते हैं आउटपुट पिन, ठीक है, ये इस भुजा के जो ये LNB आर्म होता है इसके बराबर हमें रखी जाती है, तभी दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो गाइस आपको क्या जब आप अपने छतरी के सामने खड़े होंगे तो आपको यानी लेफ्ट साइड में इसको थोड़ा सा घुमाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में इस तरीके से घुमा देता हूँ, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना इसको लेफ्ट साइड में घुमाना जब आप छतरी के सामने खड़े होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये LNB के कुछ इस साइड में हो चुका है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर LNB का पोजिशन हमने थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल छतरी को हमने नहीं हिलाया, आप देख सकते हैं खुद, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये पूरा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये तार वायर वहाँ पर लगा हुआ, और अब आप देख सकते हैं, देखिए गाइस यहाँ पर जो सिग्नल की क्वालिटी है वो बढ़ चुकी है, और मैं आपको अंदर लेके भी चलता हूँ, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिग्नल की क्वालिटी बढ़ चुकी है और यहाँ पर जो सेट बॉक्स है वही लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसका सिग्नल को हटा देता हूँ और आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी कितनी अच्छी आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार पिक्चर क्वालिटी आ रही है। अब दोस्तों आपका सेट बॉक्स बिल्कुल भी नहीं अटकेगा क्योंकि इसकी जो सिग्नल है वो बज चुके हैं। आपको यही ध्यान रखना कि आपका अपना LNB पोजीशन है वो थोड़ा सा इसको घुमा के रखना, ठीक है। वो पड़ी हमने सामने छतरी और यहाँ पर जो LNB पोजीशन है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका LNB का पोजिशन, ठीक है। अगर गाइस आपका LNB पोजिशन पहले से ऐसे था जैसे हमने अभी किया था, ठीक है, और उसके बाद में भी अगर आपका सिग्नल लो हो रहा तो गाइस इसके अंदर क्या होता है, सेट बॉक्स के अंदर आपका एक पावर सप्लाई होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पावर सप्लाई कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पावर सप्लाई आपके सामने देखा रहा हूँ ये आपकी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। ये दोस्तों डबल है क्योंकि यहाँ पर जो पावर सप्लाई ये डबल है, ठीक है, आपको सिंगल पावर सप्लाई की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो गाइस इस बॉक्स के अंदर क्या होता है, कभी कभार ये जो पावर सप्लाई होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी वजह से भी आपका सिग्नल है लो होने लग जाता है, वीक आने लग जाता है, ठीक है। तो आप हो सके अगर आपका LNB सही पोजिशन पर था और फिर भी यही प्रॉब्लम आ रही थी तो आप इसके अंदर जो पावर सप्लाई है वो आप किसी मिस्त्री से चेंज करवा लेना, ठीक है। बाकी अन्यथा दोस्तों अगर आपका LNB सही नहीं था तो आप इस प्रकार से इसको ठीक कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।